Kusum. क्यों मिलने गए थे शितिज से तुम? जवाब दो कली, शितिज से मिलने क्यों गई थी तुम? अब कौन सा नया नाटक खेल रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूं कुमुद। शट अप कली, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम क्या कर रही हो। इस घर में आने की क्या वजह है ये भी मैं जानती हूं। मैं तो सिर्फ यहां मामा की वजह से आई हूं। माँ की वजह से आई हो या माँ के बहाने आई हो? अगर इतनी ही फिक्र होती तुम्हें माँ की तो इस तरह बिना बताए नहीं जाती तुम। जानती हूँ ढूंढने गई हो तुम्हें। बेचारी माँ क्या जाने कि बेटी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुमको जो करना था वो तुमने कर लिया। पहले माँ को मुझसे दूर किया कली, अब गर्व को भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं कुमुद, तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे गर्व को छीनना चाहती हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी। कली, क्या हुआ उसे? जा रही हूं। क्यों? तुम्हारे और कुमुद के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। क्या कहा उसने तुमसे? नहीं मॉम, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगी कली, समझी? तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। मॉम, हम सुनो तो। कुमुद, अब क्या कह दिया तुमने कली से? वो क्यों यहां से जाना चाहती है? मैंने कली से कुछ नहीं कहा। अगर वो जा रही है तो अपनी मर्जी से जा रही है। कुमुद, तुम्हारी क्या लड़ाई है कली के साथ? तुम उसके साथ प्यार से क्यों नहीं पेश आ सकती हो? आखिर बहन है तुम्हारी। वो सब ठीक है मां, लेकिन लेकिन क्या कुमुद? तुम जानती हो तुम दोनों इस तरह लड़ाई करती हो तो कितनी तकलीफ होती है मुझे। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे आपस में लड़े। माँ हर बार वो गलती करती है। गलती किससे नहीं होती कुमुद? क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है? तुम्हारी इतनी गलतियों के बावजूद भी आज मैं तुम्हारे पास आई हूं ना पिता, इस वक्त कली को मेरी जरूरत है। और वैसे भी वो यहाँ कौन से हमेशा के लिए आई है? जब तक मैं यहाँ रहूंगी वो मेरे साथ रहेगी, तो क्या तुम मेरे खातिर ही सही कली के साथ प्यार से नहीं रह सकती हो? और अगर फिर भी तुमने चाहा कि कली यहाँ से चली जाए तो मजबूरन मुझे भी उसके साथ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो फिर भी गर्व है लेकिन उसके साथ आज कोई नहीं है। इसका मतलब क्या मुझे आपकी जरूरत नहीं है? ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया मां? क्योंकि अब तुम कुसुम की कुमुद नहीं रही। तुम्हें अब वो कुमुद नजर नहीं आती जो कभी मेरा साया हुआ करती थी, जो मेरा सपना भी थी और मेरा सहारा भी। मैंने तुम्हारे लिए रोशनी चुनी थी और तुम मेरी ही जिंदगी में अंधेरा कर गई कुमुद। माँ प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूं कि आजकल ही आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इतना मत कह रही है।
आज के बाद से मैं गली को कुछ नहीं कहूंगी। आप चाहती है तो मैं गली से माफी भी मांग लेती हूं, लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए। प्लीज रो मत। जानती हो कि मेरी दादी मुझे क्या कहती थी कि आंसू तो कीमती मोती की तरह होते हैं, उन्हें गिनने नहीं देना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। कोई नहीं समझ सकता कर। आज माँ के लिए कली ज्यादा मायने रखती है। कुमुद ऐसा नहीं है, बेटी के लिए माँ का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। कुमुद, ये प्यार है तभी तो दर्द है, और जब दर्द होता है ना तब आंखें नम भी होती हैं और उनसे आंसू भी गिरते हैं। पर याद रखना, जो दर्द देता है वो कई बार आंसू भी पहुंचता है। मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है कर। कोई नहीं। मैं तो हूं ना, इसको मत, मुझे गलत मत समझना। तुमने कहा था ना कि हमारे भी दोस्ती का रिश्ता रहेगा, तो क्या मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता? कुमुद, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे आंखों में आंसू, पर जब भी तुम्हारे आंखों में आंसू आएंगे ना, मैं तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
क्या सोच रही हो? I know. जिसे हम भुलाना चाहते हैं वही बार बार हमें याद आते हैं. But it's okay to miss someone you love. तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? हाँ कुमुद, क्योंकि किसी को भूलने के लिए भी याद रखना पड़ता है कि उन्हें भूलना है. लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ धोखा किया हो फिर भी वो क्यों याद आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये उम्मीद रहती है कि वो सही है, और इसलिए रिश्ते टूटने के बाद भी हम बंधे रहते हैं. बट इट्स ओके कुमुद, इट्स ओके. नो कर, इट्स नॉट ओके. अतीत के रिश्ते अक्सर इंसान को पीछे की ओर ले जाते हैं, और जिंदगी जिंदगी तो आगे बढ़ने के लिए होती है. शितिन मेरा अतीत था और कली तुम्हारा. अब हम दोनों को इन रिश्तों को भुलाकर हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा. वो रिश्ता जो तो दोस्तों के प्यार से बना है. तो क्या हुआ अगर हम जिस्म से एक नहीं दिल से तो एक है? एक की तकलीफ का एहसास दूसरे को है. मैं जानती हूं गर्व, कली के यहां रहते हुए तुम्हें उसको भुला पाना कितना मुश्किल हो रहा है. बट यू नो व्हाट, मुझे तुम पे बहुत विश्वास है. मैं जानती हूं तुम कली को उस नजर से नहीं देखोगे. अगर मैं चाहती थी कि कली यहां ना रहे तो वो मेरे लिए नहीं कर, तुम्हारे लिए. क्योंकि मुझे पता था वो तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हें और भी तकलीफ होगी. मैं जानती हूं घर, खोए हुए रिश्तों से भले ही प्यार ना रहे लेकिन जब वो रिश्ते सामने होते हैं ना तो उनके खोने के एहसास से मैं दर्द और भी होता है. चलता हूं. रिमाइंडर कुमुद का जन्मदिन. हैप्पी बर्थडे कुमुद. लेकिन आज तो मेरा जन्मदिन है ही नहीं. खोल के तो देखो. ओ क्यूट. ये तुम्हारे पहले जन्मदिन के लिए जब तुम 1 साल की हुई थी. और ये तुम्हारे दूसरे जन्मदिन के लिए. तुम क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे तीसरे जन्मदिन. हो क्या गया तुम? और ये तुम्हारे चौथे जन्मदिन. कुछ हुआ है तुम्हें? बोलो तो हुआ क्या. सच आज तुम्हें तो जरूर हो गया. ये सब उन सारे बर्थडेज के लिए है जो मैंने मिस कर दिए. ये तो कुछ भी नहीं है. तुम ये देखना कि मैं तुम्हें अगले बर्थडे पे क्या गिफ्ट देता हूँ. रहने दो, अगले साल तो हमारी शादी हो जाएगी और तब तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहेगा.
तुम अच्छे से जानती हो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं ऐसा कभी नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने तो अभी से ही अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा रखा है, ये देखो। याद है माँ, आपने ये ड्रेस मुझे मेरे पिछले जन्मदिन पे दिया था और मैं नाराज हो गई थी कि इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीदी। उस दिन के बाद आज पहनी है ये ड्रेस। मेरे हर जन्मदिन पर मैं आपका और माँ का आशीर्वाद लेती हूँ। आज भी ऐसा ही होगा ना पापा? भगवान, आज मेरी कुमुद का जन्मदिन है। मैं हर बार उसे अपने साथ लेकर आती हूँ, लेकिन आज हो सकता है मैं कभी उसका साथ नहीं दे पाऊँ, लेकिन आप हमेशा उसके साथ रहना, उसे हमेशा खुश रखना। पंडित जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये मिठाई गरीबों में बांट दीजिएगा। लेकिन आपकी बेटी साथ नहीं आई। मैं उसी के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे कुमुद। ये तुम्हारे लिए। कुसुम मॉम ने दिया है। माँ कहाँ है कली? पता नहीं, उन्होंने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये क्या माँ? आप खुद भी तो मुझे विश कर सकती थी ना।